फ्रेंड्स, एक बी कॉलोनी में तीन तरह का हनी बीस रहता है। हम आपको आज पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा और उनका सेल भी हम आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वर्कर बीस है और ये जो सत्ता है ये वर्कर बीस का सत्ता है। और फ्रेंड्स, ये ड्रोन बीस है और ये ड्रोन बीस का सत्ता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना एक बी बॉक्स में, वो है क्वीन बी। हम क्वीन बी का सेल आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये क्वीन सेल है। हम क्वीन बी को इन सत्ता में नहीं दिखा पाया, हमारा दूसरा सत्ता में हम आपको क्वीन बी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वीन सेल कितना सुंदर होता है देखने में। ये थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है और देख सकते हैं फ्रेंड्स पोलन किस तरह हनी बीस जमा करता है अपना सत्ता में। और ये शहद है, ये शहद को हनी बीस ने प्रोसेस नहीं किया। और जो ऊपर का ये पार्ट है इसमें हनी बीस ने शहद जमा किया है और ये शहद मैसूरेट हुआ है और इसमें कोई वाटर नहीं है, अनलिश प्योर शहद है, इसलिए हनी बीस ने इसे सील कर दिया है। वर्कर बीस साइज में थोड़ा छोटा होता है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये ड्रोन बीस है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है। और आप क्वीन सेल देख सकते हैं, क्वीन सेल का हिसाब से आप अंदाज कर सकते हैं क्वीन बी कितना बड़ा होता है। क्वीन बी को हम हमारा दूसरा फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये क्वीन बी है, साइज में सबसे बड़ा होता है। अभी हम इन फ्रेम को हमारा बी बॉक्स का अंदर रख दूंगा। फ्रेंड्स, ये प्योर हनी है, हनी बीस ने सील किया है। और ये हनी सील नहीं किया है, ये पोलन है और ये वर्कर बीस का अंडे है। कुछ दिन के बाद यहाँ से वर्कर बीस निकल आएगा। और फ्रेंड्स, ये क्वीन सेल है, क्वीन सेल में ज़्यादा रॉयल जेली रहता है। आज हम आपको रॉयल जेली दिखने में कैसा होता है वो दिखाऊंगा। पहले हम ये क्वीन सेल वाला पार्ट को काट लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये क्वीन बी का जो लार्वा है वो हम बाहर फेंक रहा हूँ। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है रॉयल जेली, ये है रॉयल जेली। फ्रेंड्स, ये बहुत कीमती चीज़ होता है।